मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्वाद बनारसी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे तो आपने चिकन कई वैरायटी के खाए होंगे, लेकिन आज हम लेके आए हैं आपके लिए चिकन आलू करी। चिकन आलू करी झटपट बनके भी तैयार हो जाता है और खाने में तो पूछिए हिम्मत के कैसा स्वाद रहता है। चिकन आलू करी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया 1/4 कप सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची और 2 तेजपत्ता के साथ में डाल देंगे। इसे हम कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर तेल में उतर जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने स्लाइस में कट लिया है, यहाँ पे हमने 300 ग्राम प्याज लिए हैं। 500 ग्राम चिकन है तो 300 ग्राम प्याज। प्याज डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम प्याज को चलाते रहेंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के चला लेंगे इसे। यहाँ पे प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। जैसा हमने बोला था यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिया है तो 300 ग्राम प्याज, तो चिकन को भी डाल लेंगे प्याज के साथ। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे प्याज के साथ। एक बार आप इस चिकन आलू करी को बना के देखिए, बाकी चिकन खाना ना भूल जाएंगे, ये मैं यकीन के साथ कर सकती हूँ। अब इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 5 मिनट तक प्याज के साथ चिकन को भी भून लेंगे और इसे चला लें एक बार अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला, 2 बारीक पिसे हुए लहसुन के पेस्ट को, 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम अदरक के पेस्ट को। 1 आलू को हमने 4 भागों में काट लिया है इस तरीके से, इसे भी ऐड कर देंगे और 3 हरी मिर्च को हमने चीरा लगा लिया है बीच से। 2 बारीक कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। ध्यान दें कि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, जो प्याज और नमक से पानी रिलीज होगा उससे चिकन पक जाएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे हम ढक्कन लगाएंगे। और ढक्कन लगाने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने देंगे। कुकर का देख सकते हैं कि पूरा प्रेशर निकल चुका है, तो अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। चलिए हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं चिकन पका है कि नहीं। तो यहाँ 1 चम्मच से हम चिकन को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। यकीन मानिए ये चिकन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बिना पानी के आपने देखा कि चिकन कितनी आसानी से एकदम टेस्टी बना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।